उसके बाद उसको पीछे का देखा तो बहुत बड़ा जानवर है, मतलब ये इसने मुझे अगर खाना है ना तो ये मुझे खा जाएगा अभी के अभी। पता नहीं क्या होता है कि मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और मुझे एक जानवर दिखता है। वहाँ से समवन इज एंटरिंग, ऐसे झाड़ी हिल रही है तो ऑब्वियसली उस तरफ फायर तो करेंगे, करके आवाज आई तब पता लगा ये और कुछ था। उसके अंदर वो होते हैं सिंह होते हैं, तो उसके अंदर जो दांत वगैरह होते हैं फाड़ देते हैं, इतने स्ट्रांग मतलब बंदा कुछ नहीं कर सकता। आप एक आउटडोर्स मैन हो, आप एक एडवेंचरर हो, आप इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी काम करते हो एज अ हिमालयन रेस्क्यूअर, और आपके पास एनिमल्स की बहुत ज़्यादा स्टोरीज है, तो कुछ एनिमल स्टोरीज बता दो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। आपने स्नो लेपर्ड भी देखा है? स्नो लेपर्ड हमने डिस्टेंस से देखा था। स्नो लेपर्ड को कहते हैं घोस्ट कैट, वो उस एनिमल से मैं बहुत फैसिनेटेड हूँ, क्योंकि एक तो यार वो बहुत हाई ऑल्टीट्यूड में रहता है, इतने हाई ऑल्टीट्यूड में जहाँ पे कोई भी जानवर ना जा पाए, उसको ना शिकार करने के लिए नीचे आना पड़ता है, शिकार करता है अपना और निकलता है ऊपर, ऊपर से बैठ के आई वॉन्डर कैसे पूरा पैनोरामा देखता होगा कि दुनिया नीचे क्या चल रही है, बींग लाइक द किंग। तो वेन एवर यू आर गोइंग इन अ टेरिटरी टू लुक एट हिम, ही उसने ना हमको बहुत पहले देख लिया होगा। वो घोस्ट कैट उसको कहती है इसलिए कि आपको ना वो दिखेगा नहीं, उसके कलर्स ऐसे हैं कि वो अपने आप को पूरे टाइम कैमोफ्लेज रखेगा, आप उसको इतनी जल्दी फिगर आउट कर ही नहीं सकते कि वो कहाँ पे बैठा है क्या बैठा है। ये कहानी हो रही है तपोवन नाम की एक जगह है उसके अराउंड, और हम लोग ना एक हाइक पे गए और ये ऑल्टीट्यूड रहा होगा कम से कम अराउंड 9000 फीट का, और इतने में पता नहीं क्या होता है कि मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ और मुझे एक जानवर दिखता है जो कि मेरे इतना पास है कि मैं उसका जो पूरा चेहरा है वो मेरे पूरे चेस्ट जितना है। तो जब उसको सबसे पहली साइट ये थी, उसके बाद उसको पीछे का देखा तो बहुत बड़ा जानवर है, मतलब ये इसने मुझे अगर खाना है ना तो ये मुझे खा जाएगा अभी के अभी। और इतना तो मैं बाद भाई सब मैंने बाद में सोचा है, उस टाइम पे बस इंस्टेंट थॉट ये था कि ओके अब क्या, अब मैं मूव करूँ ना करूँ, 10 चीज़ें एक साथ आ गई और हमारा ना आई कंटैक्ट हो रहा था पूरे टाइम, ये जो 8 सेकंड थे जिस टाइम पे मैं उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा हूँ वो भी मुझे आंखें आंखें डाल के देख रहा है, इसी टाइम पे मैंने सब कुछ। आपके कितने पास था? मेरे वो रहा होगा कम से कम 8 मीटर्स रहा होगा वो डिस्टेंस, और मुझे लगता है कि वो शायद एक जंप था, वो एक थोड़ा हाइट में भी था तो वो एक जंप था कि वहाँ से वो एक जंप लगेगा, और शायद सबसे पहले वो जंप एक मेरे गले में ही आएगा क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम वो ना आपके गले में अटैक करता है, तो वो एक मूवमेंट था 8 सेकंड के लिए, उसने मुझे देखा मैंने उसको देखा, एक टाइम बाद उसने आंखें नीचे करी मैं पलटा, मैंने अब पीछे नहीं देखना इसको क्योंकि मैं मेरी हालत ख़राब है टाइट है, और मैंने बोला ठीक है भाई अब तो मुड़ गया हूँ मैं, आई स्टार्ट वॉकिंग, रास्ते में मुझे जाना है, अगर इसको चाहिए तो ये मुझे आके खाएगा, नहीं तो मैंने तो आपको दे ही दिया है। अब तो जो मेरे पैरों की आवाज़ है उससे ज़्यादा आवाज़ मेरे धड़कन की हो रही थी कि अभी वो मेरे पीछे ही है, मुझे फॉलो कर रहा है, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है पीछे देखने की कि अगर मैं पीछे मुड़ूंगा तो मैं फिर से वो मूवमेंट नहीं चाहता जो अभी हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ था इसने, क्योंकि मुझे वो आँखों में ना बहुत चीज़ें आ गई थी यार, मतलब ऐसा सब कुछ हो गया था कि हम दोनों एक दूसरे के अंदर देख रहे थे, और जैसे आँखों में देख रहा हूँ लेकिन आई कैन उसका पूरा चेहरा देख सकता हूँ, एक एक उसका जो बाल निकल के आ रहा है और जिस तरीके से मुझे देख रहा है और कितना फियर्स है, तो वो डर है मेरे अंदर पूरा, और शायद उसके अंदर भी यही डर था कि शायद मैं उस पर अटैक कर दूं, मेरे पास ना गन थी ना कुछ, एक चाकू था वो भी इतना कुछ नहीं, कुछ चाकू का साइज ही नहीं था, उसकी स्किन को भी पियर्स नहीं कर पाता। तो ये सारे थॉट्स के साथ मैं चला अपने रास्ते, और जब मैं चल रहा था नीचे पहुंचने के बाद मुझे एक योगी दिखा, सैफ्रॉन कलर पहन रखा था उसने, मैंने बोला भाई तू मुझे गले मिल ले पहले यहाँ पे, हाँ मैं मेरी अभी हालत हो रही कि टाइट, आप मुझे गले मिलो, मैंने उसको गले लगाया, उसने मेरी आंखों में देखा कि इसको क्या हो गया, और उसको ना मेरी आंखों में देखते पता चल गया कि इस आदमी ने कुछ देख के आ रहा है, कुछ ये पागल वागल टाइप है आदमी, मतलब मैं रोना चाह नहीं रहा हूँ लेकिन फिर भी आंसू टपक गया मेरे कि भाई ये लाइफ है, ये अभी तो अब तो आगे और जीना है, ये जो मैं तो शायद छूट के आ गया किसी एक जो मुझे ग्रैब करके ले जाता अपने साथ। सर जब हम बाहर थे और जब हमने वो शॉर्ट कॉन्वर्सेशन करी, आपने जंगल और झाड़ियों की बात करी, सबसे मुश्किल जंगल या झाड़ी कौन सी थी? नागालैंड। नागालैंड क्यों? क्योंकि वहाँ पर इट्स बहुत थिक जंगल है। सेकेंडली उसमें एक्चुअली रूट्स निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। थिक जंगल मतलब क्या? थिक जंगल मतलब वहाँ पर इट ऑलवेज रेन्स, हमेशा बारिश होती रहती है, जिसके कारण वहाँ पर जंगल इतना थिक हो जाता है
काटीले झाड़ियाँ भी होती है। ऐसे कोई एनिमल इंटरेक्शन हुए हैं आपके लाइफ में जहाँ आपको एनिमल का कुछ पावर फील हुआ है? भालू। We have to kill भालू। ओके। वो हमारे एक्चुअली एम्बुश में फंसा हो। हैं? एम्बुश में। अब एक्चुअली हम नाउ ऑपरेशन में गए थे तो सरसराहट आई तो भालू खड़ा हो जाता है, तो वो ऐसा लगा कि कोई इन्फिल्ट्रेटर्स आर अबाउट टू दिस थिंग। ये कहां था? फायर किया जे एन के में माउंटेनस, और किसी का भी वहाँ से ऑपोजिट साइड से आने का कोई काम नहीं है। वहाँ से समवन इज एंटरिंग, ऐसे झाड़ी हिल रही है तो ऑब्वियसली उस तरफ फायर तो करेंगे। सरसराहट से आवाज आई एंड दे कुड सी अ हेड एंड दिस थिंग झाड़ी ऐसे हिला, बस वहाँ पे फायर कर दिया हाँ करके आवाज आई एंड फेल डाउन। तब पता लगा ये और कुछ था, बट वी डिडंट, अब उस वक्त गए नहीं, फिर सवेरे जाके देखा तो भालू मरा पड़ा था। तो ऐसा हुआ था, वी फेल्ट बैड, बट क्या कर सकता। और कौन से जानवर देखे सर? सुअर, जंगली सुअर ये बहुत ज्यादा देखे। कई बार तो हमारे ऐसे लोग थे कि मतलब सुअर को गिराने की कोशिश करते थे कि गिरा दो, लेकिन मतलब क्या है कि वो जानवर ऐसे हैं कि अगर आपने उनको छेड़ा या फायर उनके ऊपर तो आपको छोड़ेंगे नहीं। मतलब तो इतना वो स्ट्रांग होता है कि एक फायर में नहीं गिरेगा, एक राउंड में नहीं गिरेगा वो, और वो सीधे आपके ऊपर अटैक मारेगा, इतना स्ट्रांग होता है। एक दो हमने देखे हैं ऐसे केस कि जैसे ही फायर बंदा ने किया है सीधे मुड़ करके उसके ऊपर आता है और मार देता है, इतने स्ट्रांग होते हैं। आपने देखा है? देखा, उसके अंदर वो होते हैं सिंह होते हैं जी, मतलब तो उसके अंदर जो दांत वगैरह होते हैं तो आप देखोगे नज़दीक से तो आपको डर लगेगा, इतने हैवी उनके दांत और वो होते हैं, और बंदे को अटैक कर करके वो सीधे फाड़ देते हैं, इतने स्ट्रांग, मतलब बंदा कुछ नहीं करता।